प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो आज टॉपिक लेने जा रहा हूं आपके, वो है चित्रों के अंतर्गत हमारे प्रकार। और चित्रों के अंतर्गत प्रकार के अंदर हम ये वर्गीकरण एक बात कर चुके थे। अब मुझे चित्रों के प्रकार में एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। मैं एक एक टॉपिक पर आता हूं। पहला हमारे था एक विमी। एक विमीय मतलब केवल एक अक्ष पर, और उसके अंतर्गत सरल जो था, हमने सरल रेखा चित्र जो बात करी थी वो इसी का एक प्रकार था, सरल रेखा चित्र। मैं इसका एक उदाहरण लेकर के बात करता हूं। ये क्या है? माना कोई आंकड़े दे रखे, हमें डेटा दे रखे और उनका चित्र बनाना है। माना पांच बच्चे हैं, एक दो तीन चार पांच, और इनके 10 नंबर के टेस्ट में किसी के 7 आए, किसी के 3 आए, किसी के 2 आए, किसी के 9 आए, किसी के 4 आए। ये क्या है? बच्चे हैं और उनके ये क्या दे रखे हैं? अंक। ठीक है, अब मुझे मान लो इनका चित्र बनाना है, तो मैं चित्र बनाऊंगा तो उस वक्त ये ग्राफ लिया और उसके अंतर्गत बच्चों को मैं नीचे प्रेजेंट कर रहा हूं। ये मान लो पांचों बच्चों की मैंने आंकड़े दे दिए, और उस दौरान मैं क्या कर रहा हूं, उनके अंकों के लिए एक अक्ष पर मार्किंग कर रहा हूं। जैसे ये मार्किंग करता जा रहा हूं, ये क्या है? अंक है, इधर बच्चे हैं। अब मुझे इनका चित्र बनाना है। पहले बच्चे को 7 अंक मिले तो मैं 7 तक इसकी लाइन खींच दूं। ये रही, 8 और 7 का बीच खींच दिया मैंने लगभग, ये 7 को प्रेजेंट कर रहा है। दूसरे बच्चे के 3 नंबर आए हैं, मैं इसे लगभग बीच तक। तीसरे बच्चे के 2 नंबर आए हैं, मैं लगभग 2 तक। चौथे बच्चे के 9 नंबर आए हैं, लगभग 9 तक। पांचवे बच्चे के 4 नंबर आए हैं, मैं लगभग 4 तक। ये जो मैंने प्रेजेंट किया, ये मैंने चित्र बनाया है, ये कौन सा चित्र है? सरल रेखा चित्र। इसके अंदर मैंने सिर्फ रेखाओं का उपयोग किया है, इसके अंदर मैंने केवल रेखा का उपयोग किया है। तो मेरी तरफ से ये पहला चित्र जो मैं बना रहा था, सरल रेखा चित्र, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं दूसरा यही एक और उदाहरण ले लेता हूं। दूसरा उदाहरण आपके दे रखा है सरल दंड चित्र। मेरे ख्याल से जो सेकंड था आपके, वो उदाहरण क्या था? सरल दंड चित्र। मैं इसे साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं इसे साफ करके नेक्स्ट लेता हूं। देखिए, दूसरा हम उदाहरण इसी वीडियो में ले लेते हैं। वो मान लो आपके दे रखा है सरल दंड चित्र। दंड मतलब बार, हमें बार बनाना होगा। हम पहले कोई टॉपिक, कोई आंकड़े या उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम बात कर पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। मान लो कोई व्यक्तियों का समूह है, उसमें ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं, ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं। जैसे ब्लड ग्रुप हम जानते हैं 4 होते हैं, ए बी ए बी और ओ। ये मान लो 4 आपके क्या दे दिए? ब्लड ग्रुप दे दिए। और इनकी संख्या, उस समूह में संख्या जो है वो दे दी। मान लो ये 40 है, ये आपके आंकड़े दे रखे हैं, ये 40 हैं, ये लगभग 35 हैं, ये लगभग 10 हैं, और ये मान लो 4, 3, 7, 8, 85, ये लगभग 15 हैं। 100 आंकड़ों, 100 व्यक्तियों का कोई समूह दे रखा है, उसमें ब्लड ग्रुप इस तरह से आपके मिल रहे हैं। अब मुझे इनका चित्र बनाना है, तो मुझे चित्र बनाना है, तो मैंने जैसे सरल रेखा चित्र बनाया था, सेम वैसे ही चित्र बनाऊंगा। ये मान लो ए ब्लड ग्रुप के लिए, ये बी के लिए, ये ए बी के लिए और ये ओ के लिए।
अब उसमें मुझे आंकड़े जो प्रदर्शित करने हैं वो प्रदर्शित करने हैं, तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये जैसे 50, ये क्या है? व्यक्तियों की संख्या। ये तो क्या था? ब्लड ग्रुप। और दूसरी तरफ जो है वो इधर क्या है? व्यक्तियों की संख्या। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दंड चित्र बनाना है, तो दंड बनाने पड़ेंगे। जैसे ए के लिए मुझे आंकड़ा दे रखा है 40, तो मैं यहां से लगभग चालू करूं और 40 तक लेके जाऊं और उसके बाद दंड का निर्माण करूं। ये जो बनाया मैंने, ये बार बना दिया, दंड बना दिया, जो क्या बता रहा है? ए व्यक्ति की संख्या कितनी है? 40 है। बी की व्यक्ति की, बी ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है? 35। तो मैं 35 तक इस दंड को लेके जाऊंगा और उसकी संख्या दिखाऊंगा। ए बी की संख्या 10 है, जबकि ओ की संख्या लगभग 15 बताई। ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये जो चित्र है वो बार या सरल दंड चित्र है, और उस चित्र के द्वारा मैं बार या दंड बनाते हुए उन आंकड़ों को स्पष्ट कर रहा हूं। तो ये मेरा दूसरा जो एक विमीय चित्र था उसका दूसरा उदाहरण ये हुआ। उसके बाद बाकी के जो और उदाहरण है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।